नंबर तो भाई स्विफ्ट है 2014 मॉडल, इसमें लगाएंगे हम सोनी का स्टीरियो 7 इंची। ये स्टीरियो है सोनी का और इसके अभी पूरी दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। तो भाई ये माइक का है, ये अपना स्टीयरिंग कंट्रोल का है और ये सब बूफर है, और ये फ्रंट का है और ये कैमरे का है। मॉडल नंबर ये है, देखो इसका छोरा जो कहे वो करवाए लियो मैं। ये दे रेत है त्रिगण, रेत तो होएगा भाई। तो भाई ये ऊपर वाली वायर जो ब्राउन की तक रही है वो आपको है चाबी के साथ वाली की वन की, और नीचे है की टू की ग्रीन कलर अर्थिंग के साथ में। तो ये भाई WXAV और AX1000 नंबर इसका मॉडल नंबर है सोनी का, 7 इंची स्क्रीन है और येलो कलर की करंट की है, रेड कलर की चाबी की वायर है, इसके साथ में ऑरेंज पे येलो है, ये अपनी पार्किंग की तार है, और जो ब्लू पे ये वाइट है ये रिमोट की है कंट्रोल की, स्टीरियो कंट्रोल की जो एम्प में लगती वायर। तो उसके बाद आ जाते हैं रिवर्स की वायर, ये रिवर्स की वायर है जो मतलब स्पीकर के फ्रंट वाली स्पीकर के साथ में है, लेफ्ट वाली के साथ में रिवर्स की है। फिर तो उसके बाद ग्राउंड जो स्टीरियो का है, पार्किंग वाली जो ग्राउंड होती है ग्रीन कलर की वो इसके साथ में रिवर्स वाली वायर के साथ में, और कोने की वायर है जो ग्राउंड की है, बीच वाली पिन खाली है। तो भाई इस तरह से इसका सोनी का कपलर है, और ये लेफ्ट में इसकी सप्लाई है। तो भाई ये VDI स्विफ्ट है 2014 मॉडल, 14-15 माह बोल सकते हैं इसको। तो VDI में हमने स्टीरियो लगाया फ्रेम के साथ में, और ये हमने कार्बन फाइबर टेप लगाई है इसके अंदर, तो जिससे इसकी लुक बढ़ गई है बहुत अच्छी, और हमने कपलर टू कपलर काम कराया, कोई वायर कट नहीं करी है, देख लो इसमें देख सकते हो। और मैंने आपको वायरिंग के बारे में बताया था कि इसमें कौन सा कलर किस काम में वायर का काम करता है और किधर कहाँ काम जोड़ना पड़ता है। और ये स्टीयरिंग कंट्रोल की वायर है, ये इसके अंदर रिमोट कंट्रोल लिखा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और आप इसको आसानी से लगा सकते हो किसी भी गाड़ी में, मतलब स्टीरियो को, और जब ये स्विफ्ट गाड़ी हो तो इसमें आराम से ऐसे फिट कर सकते हो। तो भाई सोनी का रिमोट है 1000 नंबर का। माइक देख सकते हो, ये माइक World Cup at Qatar, Morocco will take on Spain, while Portugal will lock horns with Switzerland today for the last two spots. The quarterfinals, the round of 16 match between Morocco and Spain, will begin at 8:30 p.m. Indian time. Our correspondent reports Spain's journey began on a shaky note with a shocking loss to Japan in their last group stage game. Spain has not been able to advance to the quarterfinals since FIFA 2010. कार प्ले चालू हो गया इसके अंदर।
एप्पल कार प्ले ये सीधा लगाते ही चालू हो जाता है भाई। वारंटी होती है ना, उससे बात नहीं बन सकते। इस टाइम तो सेल होना चाहिए ये।